बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने ताल ठोकने में लगी हुई है, जहां टिकट बंटवारे को लेकर प्रत्याशियों ने खूब फेरबदल किया है, जिससे क्षेत्रीय जनता में प्रत्याशी को लेकर मतदाताओं में एक चिंतन का विषय खड़ा हो गया है। वहीं सोहरतगढ़ विधानसभा से अपना दल एस प्रत्याशी ने कहा, हम दूर के नहीं बल्कि मंडल क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। पहले गोरखपुर बस्ती मंडल एक में ही रहता करता था, फिलहाल क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला तो सोहरतगढ़ क्षेत्र की विकास होना तय। हम वादों में नहीं इरादों में विश्वास रखते हैं। प्राइम एटी न्यूज के लिए सिद्धार्थ नगर से रविंद्र कुमार कश्यप की रिपोर्ट। विनय वर्मा नाम है मेरा जी। सोहरतगढ़ 302 विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा हूँ। हाँ विनय जी, आप चूंकि बाहर से प्रत्याशी चुने गए हैं, ऐसे में कितना आपको लगता है कि आप सफल हो पाएंगे? आप ये पहले बताइए, आप हम लोग सब गोरखपुर और बस्ती मंडल पहले एक ही था, कहाँ से बाहर से था जी। लोग 900-800 किलोमीटर आके लोग चुनाव लड़ते हैं, मैं तो बगल का हूँ और वो भी उस क्षेत्र का हूँ जहाँ से सरकार महाराज जी और अपना दल जो गठबंधन है अगल बगल के सारे लोगों ने मिलकर चुना है मुझे। अब आप लोगों सपोर्ट चाहिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोग मुझे अपना। नहीं, क्षेत्रीय स्तर पर चूंकि बड़ा ऐसा सुनने में आ रहा है कि बड़ा विरोध है कि नहीं बाहर के कैंडिडेट्स को ही पार्टियां ला रही हैं, खासतौर से सोहरतगढ़ में ऐसा फेरबदल बहुत देखने को मिल रहा है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? पहले आज मैं अपने लोगों से बात करूंगा और फिर आप लोगों से कल बात करते जैसे भी। चलिए, विजन क्या है आपका? अगर आप जीते, जनता ने यदि आपको चुन लिया, तो आप क्या करेंगे सोहरतगढ़? मुझे काम करना बहुत अच्छा है, मुझे मैं भाषण नहीं दे पाता इतना मुझे मालूम। आपको मेरा इतिहास लेना है तो मैं गोरखपुर में निर्दलीय जिला पंचायत लड़ा था और बाहुबलियों के खिलाफ लड़ा था। और आप पता करिएगा, आप लोग तो ऐसे हैं, दो मिनट में किसी का भी डाटा आपके सामने और पेश कर देंगे और जीता भी। आज तक कोई मुझे ये बोल दे 75 जिले में मुझे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव जी ने मुझे 75 जिले में सिंगल जिला पंचायत सदस्य जो मुझे अवार्ड दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत करने का काम करेगा। कोई ये नहीं कहता, मैंने नियम ये बनाया था, जैसे मेरे यहाँ पर 40-50 लोग जैसे अब आप ये बोले, अभी मैं इतना बड़ा नहीं जाऊँगा, मैं विधायक नहीं बनूंगा और आपको करके नहीं दिखाऊंगा। मैंने नियम ये रखा था अपने यहाँ पर जिला पंचायत में, जैसे मैं 30 लाख का मुझे मेरे जिला पंचायत अध्यक्ष काम देते थे तो मैंने क्या करना था, वहाँ के 10 लोग होगा, अब काम तो कहीं ना कहीं अपने रोजगार देना है, तो मैं 3 लोगों को काम देता था, 4 लोगों को बांट के। मैंने कभी भी जात पात नहीं करा, कभी नहीं, किसी को नहीं दिखा, सबको 10-10 लाख मैं इतना काम ला दिया आज जिला पंचायत। बस मेरे लिए वो ऐसी सीट था, वरना आज मैं वहाँ का। सुनिए जी, आप पूछ रहे हैं आपको किससे, किस पार्टी से आप लड़ाई मान रहे? आप क्या करोगे तो आप तय करेंगे, मैं कैसे बताऊँगा? मैं तो जनता तय करेगी किससे टक्कर है किससे नहीं। मैं तो हाथ जोड़ के ये कह सकता हूँ, मुझ पर एक बार विश्वास करेंगे आप, अपने समाज अपने लोगों का अपने सारे व्यापारियों का अपने मतलब कोई भी जात पात के ऊपर उठ के सब लोगों का इतना सम्मान करूँगा आप, और अपने सोहरतगढ़ का इतना गारंटी देता हूँ जैसे आज तक मैंने गोरखपुर का दिया है। लोग आप पता करिएगा, यहाँ पर तमाम लोग अपने सोहरतगढ़ से लेके गोरखपुर से ले पूर्वांचल में तब लोग आए हैं, मैंने सम्मान नहीं खोने दिया। मुझे कोई किसी चीज़ की कैसे भी चीज़ वो नहीं करता, मैं मुँह से कोई शब्द नहीं निकाल सकता, फिर इतना कहूँगा अपने सोहरतगढ़ का इतना सम्मान बढ़ा दूँगा, ये 4 से 3 में अलग सी गिनती आएगी।